नमस्कार, मैं कनिका वेदी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। कोरोना की रफ्तार हुई और तेज, एक दिन में करीब 40,000 नए केस। देश में कोरोना संक्रमण में लगातार तेजी आ रही है। अब एक दिन में कोरोना के 39,726 नए केस सामने आए हैं, जबकि 20,654 मरीज रिकवर हुए हैं और 154 लोगों ने जान गंवाई है। इस तरह एक्टिव केस की संख्या में 19,141 की बढ़ोतरी हुई है। देश में अब तक 1,15,17,945 लोग कोरोना महामारी की चपेट में आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। यहां एक दिन में 25,833 नए संक्रमित मिले हैं। देश में कोरोना महामारी आने से लेकर किसी राज्य में अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले महाराष्ट्र में 11 सितंबर को 24,886 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई थी। लॉकडाउन जैसे हालात, कई जगह यात्रा पर प्रतिबंध, नाइट कर्फ्यू लगाया गया। कोरोना संक्रमण में तेजी आने के बाद लॉकडाउन जैसे हालात बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से आने जाने वाली यात्री बसों पर 20 मार्च से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में आज से नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। यह रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू होगा, जबकि शनिवार और रविवार को मॉल, सिनेमा हॉल आदि सार्वजनिक जगहों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। पंजाब के 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू के समय में बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले ये रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया था, लेकिन अब इस बढ़ाकर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। इनमें लुधियाना, जलंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला और रोपड़ शामिल है। फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर, पेरिस में लगा एक महीने का लॉकडाउन। फ्रांस में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के चलते राजधानी पेरिस में एक महीने का लॉकडाउन किया जा रहा है। पेरिस के साथ देश के 15 अन्य शहरों में भी आज आधी रात से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। हालांकि फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स ने कहा कि ये लॉकडाउन पहले के लॉकडाउन की तरह सख्त पाबंदियों वाला नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि फ्रांस में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर तेजी से बढ़ सकती है। फ्रांस में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 35,000 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ओलिवर वेरन ने कहा कि पेरिस में 1200 लोग आईसीयू में भर्ती हैं, जबकि पिछले साल नवंबर में इससे आधे से भी कम मरीज थे। एस्ट्राजेनेका के टीके को जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन में फिर मंजूरी। जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन ने फिर से एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अब इन देशों में फिर से टीकाकरण शुरू किया जाएगा। यूरोपीय संघ के औषधि नियामक संस्था ने एस्ट्राजेनेका के टीके को सुरक्षित और प्रभावी बताया है। इससे पहले फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के इस्तेमाल पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। यूरोपियन मेडिकल एजेंसी के प्रमुख एमर कुक ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों की राय है कि एस्ट्राजेनेका का टीका कोरोना से बचाने में सुरक्षित और प्रभावी है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने पहले ही कहा था कि 1 करोड़ से ज्यादा टीका लगाने के बाद की गई समीक्षा में ये वैक्सीन उपयोग के लिए पूरी तरह सुरक्षित पाई गई है। IIMT विश्वविद्यालय में वृहद रोजगार मेले का आयोजन, करीब 2000 अभ्यर्थियों को मिली नौकरी। IIMT विश्वविद्यालय मेरठ में 2 दिवसीय वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न कंपनियों में करीब 2000 युवाओं को नौकरी मिली। प्रदेश के व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इससे पूर्व रोजगार मेले में करीब 5000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराए थे। इनमें पहले दिन तकनीकी पदों के लिए 3456 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराए, जिनमें से 962 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न कंपनियों में किया गया। दूसरे दिन गैर तकनीकी पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया गया। रोजगार मेले में लगभग 100 कंपनियों ने भागीदारी की, जिनमें से पहले दिन 47 कंपनियों ने चयन प्रक्रिया पूरी की। वृहद रोजगार मेले का आयोजन क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कौशल विकास मिशन एवं IIMT विश्वविद्यालय मेरठ ने संयुक्त रूप से किया। IIMT विश्वविद्यालय के चांसलर योगेश मोहन जी गुप्ता बोले, CM योगी आदित्यनाथ UP से बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रतिबद्ध। IIMT विश्वविद्यालय मेरठ के चांसलर योगेश मोहन जी गुप्ता ने विश्वविद्यालय में रोजगार मेले के सफल आयोजन के लिए क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास मिशन के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी से बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिस प्रकार योगी सरकार सार्थक प्रयास कर रही है, उससे लग रहा है कि 1 साल में कंपनियों को खुद अभ्यर्थियों को ढूंढना पड़ेगा। प्रदेश में नौकरियां अधिक होगी और कार्य करने वाले उससे कम मिलेंगे। सहायक निदेशक सेवा योजन शशिभूषण उपाध्याय ने वृहद रोजगार मेले के आयोजन में सहयोग करने के लिए IIMT विश्वविद्यालय के प्रति आभार व्यक्त किया।
रोजगार मेले में मेरठ दक्षिण से विधायक सोमेंद्र तोमर, मीडिया संपर्क प्रमुख पश्चिमी उत्तर प्रदेश आलोक सिसोदिया, अरुण जिंदल जी, चौधरी देवेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। एशिया कप इस साल नहीं, पीसीबी को उम्मीद 2023 में पाकिस्तान का दौरा करेगा भारत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उम्मीद जताई है कि 2023 में एशिया कप के दौरान भारत मेजबान पाकिस्तान का दौरा कर सकता है। पीसीबी के चेयरमैन एहसान मनी ने कहा कि भारत का दौरा पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बड़ा ब्रेक होगा। उन्होंने कहा कि एशिया कप 2021 का आयोजन नहीं किया जा रहा है क्योंकि दोनों देशों के पास इस टूर्नामेंट के लिए विंडो नहीं है। पीसीबी चेयरमैन ने कहा कि इस साल एशिया कप श्रीलंका में आयोजित करना संभव नहीं है। 2023 में भारत की पाकिस्तान यात्रा पाकिस्तान के लिए बड़ी सफलता होगी। पाकिस्तान पिछले एक दशक से शीर्ष टीमों की मेजबानी के लिए संघर्ष कर रहा है। पीसीबी चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान 2023 में एशिया कप की मेजबानी करेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।